हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेयर टू ड्रीम बिग में। कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं होते और कुछ लोग बहुत कम चीजों में ही अपनी जिंदगी को मजे से जीते हैं। तो खुशी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। तो खुशियों से भरे जीने का आपका रहस्य क्या है, वो हमें कहाँ मिल सकती है? मिस्टर टॉमी न्यूबेरी ने इन सभी बातों का जवाब अपनी बुक द 4-8 प्रिंसिपल द सीक्रेट टू अ जॉयफुल लाइफ में दिया। तो ये बुक मेनली इस बात पे फोकस करती है कि कैसे हम अलग सोचें, और जितनी भी चेंजेस हम करते हैं वो सब टेम्परेरी होते हैं, लेकिन हम अगर अपनी सोच में बदलाव कर लेते हैं तो वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। किसी और चीज की तरह सीक्रेट खुशियों से भरी जिंदगी का किसी और इंसान में या किसी और चीज में नहीं मिल सकता, ये तो हमारे अंदर ही होता है। इसलिए हमें निगेटिव इमोशन जैसे फियर, गिल्ट, डिप्रेशन, इन सबको कम करने की कोशिश करनी चाहिए और पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बुक को सिंपल तरीके भी बताती है ये करने का, जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया हो तो उसे अकेलेपन, डिप्रेशन, इन सब बातों पर फोकस ना करके अच्छी चीज़ों जैसे फ्रेंड्स, हॉबीज, इन सब पर फोकस करना चाहिए। इसे हम लॉ ऑफ अटेंशन कहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड केवल एक ही थॉट एक बार में दिमाग में रख सकता है, तो हम अपने थॉट को बदल सकते हैं, जैसे कि ये ना सोच के कि हम उसके बिना नहीं जी सकते। हम ये सोचें कि हमने एक मंथ उसके बिना गुजार लिया है। अगर हम जैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उतनी खुशी, पैशन हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, तो जस्ट एक्ट। कभी कभी जो स्टोरी हम अपने दिमाग को सुनाते हैं वो उसे सच मानने लगता है, जैसे कि हम ये कहकर कि हम अपने साथ को ही इंजॉय कर रहे हैं, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। इसे हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। सुजैन अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन चाहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसी बातों को सोचती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जिम ज्यादा पैसे कमाना चाहता है जैसे वो अपनी फैमिली को खुश रख सके, लेकिन वो अपने बिजनेस को बर्डन मानता है। दोनों ही गलत तरीके से सोच रहे हैं। सो 4-8 प्रिंसिपल कहता है आप जिस चीज के बारे में सोचते रहते हैं वही एक्सपीरियंस होती रहती है। इसका सार ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, ब्लेसिंग्स, लक्ष्य, इन सब के बारे में सोचेंगे, आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपसे प्यार करते हैं, तो आप ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। समय समय पर हमें सक्सेस मिलती रहती है। उस समय हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उस सक्सेस को हम अच्छे लक, अच्छे टाइम कह के टाल देते हैं। अगर एक वीक प्लेयर एक दिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो ये ना सोच के कि वो अच्छा और खेलेगा कल से, वो ये सोचता है कि आज तो मेरे लक ने साथ दे दिया, कल मैं पक्का हार जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर एक दिन हार जाता है, तो वो खुद को कोसने के बजाय सोचता है कि मैं कल से और अच्छा खेलूंगा, कल मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो हमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर की तरह सोचना होगा। हम हमेशा ऐसी चीज सोचते हैं जो हमारे निगेटिव इमोशंस को बढ़ाती है, जैसे एम्पलीफायर्स, जब हम कोई खराब सिचुएशन को मैग्नीफाई कर देते हैं, जैसे कि ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। केसेस, जब हम सोचने लगते हैं कहें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और ज़्यादातर समय ये सोच खराब ही होती है। आइडेंटिफायर, जब हम सिचुएशन को पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपकी फेवरेट शर्ट में कॉफ़ी गिरा दी तो आप ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उसने जानबूझ के ही किया। फोरकास्टर्स, जब हम वोर्स के सिनेरियो को प्रिडिक्ट करते हैं। जब हम निगेटिव इमोशन, हम ये सोचते हैं कि या तो हम इसे दबा लें या एक्सप्रेस कर दें, लेकिन इसके बजाय कुछ और तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे कि हम ये पूछ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी
बातों को रिश्तों को संभालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप को प्रूफ करना नहीं होता है। हम सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है, लेकिन हम केवल उन बातों पर फोकस करते हैं जो अच्छा नहीं है, हमें आज वो चीज़ें जो हमें मिली नहीं। लेकिन हमें ऐसी चीज़ें अपने आप से पूछनी चाहिए, जैसे कि हमारी फैमिली में क्या पॉजिटिव और यूनिक है, कौन कौन से गोल हैं जो हम ऑलरेडी ही अकम्प्लिश कर चुके हैं, हम अपने लव्ड वन के साथ बिता हुए अच्छी मेमोरीज को सोच सकते हैं। आप अभी जैसा भी महसूस कर रहे हैं, भरोसा कीजिए, आप खुश हो सकते हैं। बस उन बातों को सोचिए जो आपको खुशी देती है, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, ब्लेसिंग्स, उन सब के बारे में सोचिए। खुशियों से भरी जिंदगी जीने का सीक्रेट कहीं और नहीं, आपके अंदर है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और keep falling in love with books।